अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। चलिए आज हम सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दो आपके प्रश्न हैं, एक पहला है और एक दूसरा है। आज आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये दो क्रम का है, इसमें R1 R2 C1 C2। ये आपका इसमें R1 हो गया, R2 हो गया, C1 और क्या हो गया, C2। यह है 2×2 का, ये भी 2×2। 2×2 के क्रम में ऐसे हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, आपको उदाहरण में भी बताया गया है। 1 से 2 में गुणा, 2 हो जाएगा, बीच में माइनस चिन्ह, 5 चौको 20 इजिकल टू। 2x से x में गुणा कीजिएगा, 2 और x में गुणा करेंगे तो x2, इसका गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 6 चौको 24। x2 को इधर लाइए, 20 में से 2 घटाएंगे तो आपका माइनस कितना हो जाएगा, 18 इजिकल टू, ये आपका हो जाएगा 2x2 - 24। 24 को इधर लाइए, -18 इधर माइनस में इधर आएगा तो आपका प्लस इजिकल टू 2x2। सभी को चेंजिंग कर दीजिए, सभी मान इधर से उधर, 2 पहले हल कर लीजिए इसको, 24 में से 18 घटाइएगा, 6 हो जाएगा इजिकल टू 2x2। टू एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लाइए, इसको यहाँ पे 2x2। देखिए दोनों पक्ष इधर से उधर होंगे तो मान में कोई भी, चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो 2x2 हो गया बराबर 6। तो यहाँ से x2 बराबर हो जाएगा 6/2 में कितना, 2। x2 गुणांक 2 है, गुणांक हटेगा तो इधर बटा लग जाएगा, तो x2 बराबर हो जाएगा 2×6। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये 3 बच गया है तो 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 7 के दूसरे में। प्रश्न नंबर 7 का दूसरा कैसे हल किया जाएगा, चलिए प्रश्न नंबर 2। इसमें x का मान निकालना है, जिस तरह से 1 को बताए हैं उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। चलिए ये भी 2 क्रम का है तो पहले हल में लिख लेते हैं 2, 4, 3 और 5। ये हो गया x, 2x, 3 और 5। चलिए क्रम कितने का है, देखिए R1 एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ 2×2 का है, एक क्रम एक पंक्ति दो पंक्ति इसमें भी है, एक स्तंभ दो स्तंभ, ये भी 2×2 का, 2×2 का होता है तो इसमें बस ऐसे तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो इससे इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 2×5 = 10। आपको उदाहरण में पहले ही बताया गया है, माइनस इससे 4×3 = 12 बराबर, इससे गुणा कि x से 5 में गुणा करेंगे तो आपका 5x, इसका भी तिर्यक ऐसे गुणा कर लीजिए, x से 5 में गुणा करें तो 5x, और 2x से 3 में गुणा करें, 3×2 = 6, बीच में माइनस चिन्ह, 6 और के साथ में क्या, x। ठीक है, यहाँ पर 12 में से 10 घटाइए, -2 हो जाएगा क्योंकि 12 बड़ा है तो माइनस लगेगा, दोनों माइनस बीच में माइनस है तो 6 में से 5 घटेगा तो सिर्फ x हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपका 2 = x हुआ, या इसको कह सकते हैं x बराबर कितना, 2। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 8 के तरफ। प्रश्न नंबर 8 कैसे हल करेंगे,